गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं सेंसर्स, सेंसर्स मीन्स जो क्वांटिटी को सेंस करेगा। ओके, तो सेंसर के लिए सबसे पहले जो वेरी बेसिक्स है, आप लोग क्लास फाइव में क्लास फोर से पढ़ रहे हो, सेंसर से हमारे बॉडी के कौन कौन से सेंसर्स हैं, क्या क्या है बता सकते हैं क्या? है ना, जैसे आई है ना, आई के विजन के लिए एक सेंसर हो गया, हाथ है ना, स्किन है ना, ईयर है, ये सब जो है हमारा बॉडी का सेंसर है। ये सेंसर्स क्या है, इसका क्या होता है रोल, जैसे जो विजन है, ये विजन करके आपके माइंड में पहुंचा है, ब्रेन में, क्लियर है। वैसे ही जो जो आपका स्किन है वो क्या कर रहा है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड का डेटा को छू के, मतलब जो टच करके वो जो सेंस का जो एक्टिविटी होगा उसको आपको प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइड कर रहा है मीन्स आपके ब्रेन में जा रहा है वो मैसेज, जो डेटा है वो फिर ब्रेन डिसाइड कर रहा है कि उसके अकॉर्डिंग जो टच कर रहे हो तो हॉट है या कोल्ड है, उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। बस आपका जो जो स्किन है या जिसको आप टच कर रहे हो वो डेटा आपके ब्रेन में भेज रहा है, ब्रेन डिसाइड कर रहा है कि कौन सा लेवल को हम हॉट करेंगे या कौन सा लेवल को कोल्ड करेंगे, क्लियर है। तो वैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए मशीन में, मशीन मीन्स मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर, उसके लिए जो एक्सटर्नल डिवाइस को जो जो एक्सटर्नल पैरामीटर है उसको सेंस करने के लिए कुछ सेंसर्स का एप्लीकेशन होता है स्पेसिफिक के लिए, मतलब हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सेंसर्स होते हैं। तो अभी मेरे हाथ में है, ये है IR सेंसर। IR stands for infrared. ये सेम वही टेक्नोलॉजी है जो सेंसर आप लोग यूज करते हो, जैसे टीवी के रिमोट पे यूज होता है ना, और भी IR का वेरियस एप्लीकेशन है, वो सब मैं अभी स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं IR सेंसर। तो IR सेंसर में देखो कितने पिन है, ये देख लो पहले। IR सेंसर में जो सेंसर का मॉड्यूल है कुछ इस तरह से LED कनेक्टेड है, ये इस तरह का एक मॉड्यूल है, इस पर 3 पिन प्रोवाइडेड है, क्लियर है। यहाँ पे कुछ कंपैरेटर IC और चिप वगैरह होगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट कंपोनेंट्स है यहाँ पे, और इस पे एक होगा ट्रांसमीटर और एक होगा रिसीवर LED। LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, तो वैसे ही अभी आप लोग के हाथ में जो IR सेंसर है, मेरे को ये बताओ कौन कौन सा पिन क्या क्या फंक्शन, मतलब क्या क्या मेंशन है उस पे, हर एक पिन का एक, हाँ। ओके, अगर मैं इसको इस तरह से पकड़ता हूँ तो फ्रंट एंड में आपका उस पर लिखा होगा, मेंशन है, सबसे पहला पिन लेफ्ट हैंड साइड से पहला पिन क्या मेंशन कर रहा है, आउटपुट, आउटपुट है ना, आउटपुट के लिए मैंने OP लिख दिया, दैट मींस दिस इज आउटपुट। एंड सेंटर वाला पिन क्या कर रहा है, ग्राउंड, GND लिखा होगा, GND स्टैंड फॉर ग्राउंड, कुछ इस तरह का सिम्बॉल भी रहता है ग्राउंड में, कभी कभी कहीं पर किसी सेंसर पर इस तरह का सिम्बॉल देगा। और थर्ड वन क्या है, VCC जो है किसको डिनोट कर रहा है, सप्लाई को, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 वोल्ट के एप्लीकेशन का सेंसर है जो भी अभी आ रहा है। तो 5 वोल्ट VCC मींस यहां पे हमको कितना प्रोवाइड करना है, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, यहां तक क्लियर है। अब ऑलरेडी मेंशनड है इसमें क्या मेजर करना है। अब ये जो सेंसर है इसका वर्किंग, इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इस पे मैंने बताया, इसको अगर हम ऐसा मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं, यहां पे दो LED है, अब यहां सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, इसका जो फंक्शन है ये एक ट्रांसमीटर LED है, ये ट्रांसमीटर क्या है, ये IR रेस ट्रांसमिट करेगा, और अगर जो सामने ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर है। रिफ्लेक्शन होगा मींस यहां पे जो दूसरा LED है वो रिसीवर LED होगा, क्लियर है। तो रिसीवर LED रिसीव करेगा, और जो आउटपुट सिग्नल के लिए एक पिन दिया हुआ था, 3 पिन है, तो 2 कनेक्शन तो आपको मस्ट करना ही है, एक में 5 वोल्ट सप्लाई इनपुट देना ही है 5 DC का, और जो ग्राउंड है, जो सेंटर का पिन है, ग्राउंड पेंशन है, उस पे ग्राउंड दे दिए। थर्ड पिन जो आउटपुट है, ये जो होगा ये सिग्नल आउटपुट देगा, सिग्नल आउटपुट मींस ये डिजिटल सेंसर्स के कैटेगरी में आएगा, डिजिटल सेंसर्स मींस आइदर इट विल बी ट्रांसमिट 1 और 0, यहां तक क्लियर है। 1 डिनोटेड टू हाई, या 1 हाई और 5 वोल्ट, ये सब एक ही टर्म के लिए डिनोट हो रहा है, और 0 लो और ऑफ ये एक टर्म के लिए डिनोट हो रहा है। तो मैं अगर जब भी कहूँ हाई देगा आउटपुट या हाई हो जाएगा, दैट मींस मैं मेंशन कर रहा हूँ कि 1 हो जाएगा, दैट इज 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो सेंसर है ये जो आउटपुट देगा, अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तब रिसीवर को रिसीव मिलेगा सिग्नल,
ये सिग्नल रिसीव करेगा और यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो फंक्शन करके आउटपुट देगा 1। ये रिसीव किया, ये रिसीव किया तो 1 मिला। अब दूसरा, ये दो ही पोजीशन, दो ही स्टेट होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा और या तो फिर नहीं होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो कंडीशन में मैंने बताया रिसीव मिलेगा सिग्नल और इस पर सिग्नल हाई मिलेगा। अब सेकेंड कंडीशन ये ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट सपोज नहीं है सामने, क्लियर है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये ट्रांसमीटर तो अपना काम कर रहा है, बीम ट्रांसमिट कर दिया, आईआर रेस इंफ्रारेड, वो ट्रांसमिट कर दिया। ऑब्जेक्ट नहीं है मींस वो एटमॉस्फेयर में गया, रिलैप्स हो गया वो, दैट मींस रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिला। रिसीवर को कब, एक ही कंडीशन है सिग्नल मिलने का रिसीवर को, अगर कोई सामने ऑब्जेक्ट हो तो अभी पहला कंडीशन तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट होगा, तो दूसरा कंडीशन ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, कोई सिग्नल मिलेगा कहाँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, कुछ ट्रांसिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, कुछ कंपैरेटर आईसी है, ये सब आईसी जो है उसको इंटरनल फंक्शन करके आउटपुट देगा, दैट इज नो सिग्नल इज देयर, तो क्या होगा इसको जीरो आउटपुट देगा। जीरो आउटपुट देगा मीन्स देखो जीरो टर्म किसके लिए यूज हो रहा है, जीरो आउटपुट मतलब या तो मतलब ग्राउंड के लिए भी वो कह रहे हैं और लो सिग्नल भी कह रहे हैं, दैट मींस ग्राउंड कहता हूं मैं या लो कहता हूं या जीरो कहता हूं, ये सब एक ही टर्म के लिए यूज हो रहा है। यहां तक क्लियर है? ओके, बाय डिफॉल्ट यहां पर एक एलईडी और कनेक्टेड होता है ना, एक एलईडी और कनेक्टेड होता है, उस एलईडी का फंक्शन ये है कि अगर कोई रिसीवर मतलब सिग्नल आउटपुट मिलता है, मतलब सिग्नल हाई होता है, तो ये एलईडी हाई हो जाता है। तो आप इसमें एक्सटर्नल कनेक्शन ना करते हुए बस सेंसर टेस्ट करने के लिए ये देख सकते हो कि आउटपुट क्या है, हाई है कि लो है। ये जो पिन है ये हम आउटपुट जो है डेटा आगे जो प्रोसेस करने के लिए जो क्या फंक्शन करवाना है, अगर कोई सामने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है तो क्या करवाना है या नहीं करता है तो क्या करवाना, उसके लिए हम यूज करते हैं, क्लियर है। अब ये जो आईआर ट्रांसमीटर रिसीवर है इसका जो सेंसिटिविटी रेंज है ये अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का रहता है। इस पे एक नॉब दिया हुआ, एक छोटा सा नॉब दिया हुआ, वो नॉब है एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जनरली 10 किलो ओम का होता है ये रेजिस्टेंस जो एक नॉब होगा, इस नॉब को आप टर्न मतलब लेफ्ट राइट टर्न करके इसका सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं। रेंज मतलब इसका डिस्टेंस कितने दूर से वो मेजर कर पाएगा, तो डिस्टेंस का लिमिटेशन अभी मैंने बताया 5 to 10 सेंटीमीटर का रहता है, तो वो जो 5 मतलब कम भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर भी ले लेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैक्सिमम मेरे को लगता है शायद 8 to 10 सेंटीमीटर जाएगा, उस रेंज को आप इससे सेट करोगे, क्लियर है। अब इसका यूज कहाँ होगा, क्लियर है, आईआर सेंसर का यूज के लिए वेरियस, वो आप आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करेगा कि आप क्या सोच रहे हो, किस टाइप का एप्लीकेशन डेवलप करना है। जनरली अभी हम जो यूज कर रहे हैं रोबोटिक्स एप्लीकेशन पे होगा, और सेंसर जो आइडेंटिफिक मतलब कुछ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए या कुछ ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, ये सब डिपेंड करेगा आपके इमेजिनेशन पे कि आप उसको कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सर्किट अरेंजमेंट के लिए देखो आपको एक बैटरी लगेगा, है ना, बैटरी का कनेक्टिविटी चाहिए। अब मेरे को ये बताओ ये जो बैटरी दिखाएं क्या, ओके, ये बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है, ऊपर वाला पॉजिटिव, जो जिसका लेंथ ज्यादा होगा वो पॉजिटिव होगा और जो जिसका लेंथ कम होगा वो नेगेटिव होगा। सपोज ये 5 वोल्ट का बैटरी है, सम अज्यूम कर लो अभी फिलहाल, है ना, 5 वोल्ट 9 वोल्ट वेरियस अलग अलग सप्लाई का आता है। अब मैंने बताया आपके पास जो सेंसर है उस पर 3 पिन है, है ना, सबसे पहला पिन है आउटपुट का और ये है ग्राउंड का और ये है VCC। अब मैं इसके ऊपर लिखूं यहाँ पे कितना वोल्ट है, 5 प्लस 5, ये ग्राउंड है मतलब ये ऐसा सिंबल होता है इसका, और आउटपुट तो ठीक है, क्लियर है। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, इस बैटरी से करना है तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से, ओके क्लियर है। अब मेरे को जो है आउटपुट को लेकर के भी कुछ डेटा मतलब मेरे को अपना सिग्नल चेक करना है, ये फंक्शन कर रहा है कि इसको टेस्ट करना है, तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा, एग्जैक्टली दो तरीका है, या तो एक्सटर्नल कुछ जो कंपोनेंट असाइन कर दो, मतलब जैसे एलईडी है या बजर है, एलईडी को सेट कर देंगे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर सिग्नल आता है 5 वोल्ट तो एलईडी ऑन हो जाएगा, और सिग्नल नहीं हो तो एलईडी ऑफ रहेगा। दूसरा कंडीशन है मल्टीमीटर या वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करके रखो कि अगर सिग्नल आता है तो 5 वोल्ट आता है, तो वोल्टमीटर या जो डिजिटल मल्टीमीटर आप लोगों के पास है उस पर क्या होगा, 5 वोल्ट शो करेगा, सेंसर ही ऐसे टेस्ट करेंगे, है ना। तो ये टेस्ट करने के लिए मैं अभी सपोज ये TX है और ये RX है, ऐसा मान लो, तो
है ना, जो भी होगा आपके सिस्टम में। अब ये जो बैटरी है, ये बैटरी को कनेक्ट करने से पहले मेरे को यहाँ पे एक छोटा सर्किट और मैं बना रहा हूँ एक एलईडी का। तो एलईडी का कैसा होता है लोगो सिंबल कुछ इस तरह से लगता है एलईडी का सिंबल, ठीक है। एलईडी का सिंबल ये है, ये जो एंड है ये पॉजिटिव है, ये जो एंड है नेगेटिव है, इसको एनोड और इसको कैथोड है, या तो क्लियर है। अब ये एलईडी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते 5 वोल्ट से, इसके बीच एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करना होगा, क्लियर है। ओके, रेजिस्टेंस टू करंट का फ्लो कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो एलईडी नेम इटसेल्फ स्पेसिफाइज दैट लाइट एमिटिंग डायोड, दैट मींस ये फॉरवर्ड बायस में जैसे ही कंडीशन मतलब अप्लाई होगा ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो वो जो एलईडी है उसको डैमेज करने से बेहतर एक करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से होगा, सपोज मैंने ले लिया 270 ओम का रेजिस्टेंस, यहां तक क्लियर है। ओके, ये एलईडी का पॉजिटिव है और ये एलईडी का नेगेटिव रेजिस्टेंस, यहां तक हमने एक छोटा सर्किट के लिए प्रिपेयर कर लिया है। अब मेरे को बताओ कैसे कनेक्ट होगा, इसको मैं क्या कनेक्शन करूं कि ये एलईडी फंक्शन करे। सबसे पहली बात, यहां पे ग्राउंड दिया हुआ है, ये VCC है, ग्राउंड दिया हुआ मींस क्या करना है मेरे को, ये जो ग्राउंड का टर्मिनल मतलब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैं सीधे ले जाके कहां कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड इस टर्मिनल पे, यहां तक क्लियर है। यस सर। ओके, एक VCC है, VCC को कहां कनेक्ट करना है मेरे को, पॉजिटिव पे, वो कहीं से भी मिले उसको पॉजिटिव मिलना चाहिए, दैट मींस मैं नीचे से ना ले जाते हुए जो हैसल फ्री कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां से एक ऐसा लूप ले रहा हूं, जब एक वायर ऊपर से जंप करता है और मतलब कांटेक्ट नहीं होता तो इस तरह का एक लो सिंबल रहता है उसका, है ना। तो ये जंप करके वायर कहाँ चला गया है, ये पॉजिटिव पे, ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, दैट मींस सेंसर अब फंक्शन में आ गया है। अब अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, जो भी है इसका सिग्नल आउटपुट आएगा, बाई डिफॉल्ट अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे लो आएगा, ये लो आएगा तो इस आउटपुट को मेरे को किससे कनेक्ट करना है, एलईडी से। तो मैं कहां कनेक्ट करूं एलईडी का, रेजिस्टर पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव पे, कहां कनेक्ट करूं एलईडी के, तभी वो फॉरवर्ड बायस होगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वायर इधर उधर जंप ना करते हुए मैं सीधे बाहर से कनेक्ट कर रहा हूं, ये सीधे पीछे से लेके वायर और ये बैक एंड से लाके एलईडी के पॉजिटिव पे कनेक्ट किया, ये कनेक्शन समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। नाउ एक ही एंड बच गया, ये एलईडी कैसे फंक, अब इसके लिए एलईडी का जो रिक्वायरमेंट है क्या है, पॉजिटिव तो कनेक्ट हो गया है, अब क्या चाहिए इसको, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहां से मिलेगा, ग्राउंड से। अब ग्राउंड कहां है, देखो ये बैटरी का टर्मिनल है, मैं बैटरी के टर्मिनल से ये यहां से एक लूप लेके डायरेक्ट मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूं, या तो फिर ये जो ग्राउंड टर्मिनल है ये टर्मिनल को भी यहां पे कनेक्ट करूंगा तो ग्राउंड, अल्टीमेटली इसको ग्राउंड मिल रहा है, वो क्या कहीं से भी मिले इसी सेम सप्लाई का होना चाहिए, क्लियर है। तो ये जो टर्मिनल, ये ग्राउंड का टर्मिनल मैं यहीं से इसको कनेक्ट कर देता हूं तो ये रेजिस्टेंस से मिल गया ग्राउंड, ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब बाय डिफॉल्ट अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आउटपुट क्या होगा, जीरो। जीरो होगा तो एलईडी ऑफ होगा, ओके। सेकेंड कंडीशन, यहां पे कोई अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ये ट्रांसमिट करके जो रिसीवर एंड पे मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, वन। अब अगर वन मिल रहा है तो क्या होगा, ये 5 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे, 5 वोल्ट मिल रहा है तो ये वायर यहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, एलईडी। एलईडी क्या को क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस करेगा, ये रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड होगा, फॉरवर्ड बायस हो रहा है मींस एलईडी क्या हो जाएगा, ये डिजिटल सेंसर है, इस पे दो ही कंडीशन है, आइदर इट विल बी हाई और इट विल बी लो। तो ये ब्रेडबोर्ड जो है ये टेंपरेरी कनेक्शन के लिए यूज होगा। टेंपरेरी कनेक्शन मींस आप लोग कोई सर्किट बना रहे हो तो सर्किट को डिजाइन करके पहले टेस्ट होगा, टेस्ट करने के बाद अगर सर्किट प्रॉपर फंक्शनिंग है तो उसको फिर हम क्या करेंगे, उसका प्रोटोटाइप के लिए पीसीबी भी ले जाएंगे, क्लियर है। तो टेम्प्रेरी कनेक्शन के लिए यहाँ पे ये ग्रूव दिया हुआ है ब्रेडबोर्ड का, ये छोटे छोटे ग्रूव, इस ग्रूव्स के अकॉर्डिंग हम सर्किट कनेक्ट करेंगे। तो ये जो ब्रेडबोर्ड है, इस ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन कुछ ऐसा रहता है, ये जो ग्रूव्स है, ये पहला कॉर्नर के जो ग्रूव्स है, ये लाइन पूरा फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक एक ही टर्मिनल पे होगा, दैट मीन्स शॉर्ट है, दूसरे शॉर्ट है। शॉर्ट कैसे पता, मतलब इंटरनली शॉर्ट है, क्लियर है। वो यहाँ पे अगर मैं इस ब्रेडबोर्ड को पलटता हूँ तो ये ब्रेडबोर्ड दिख रहा है, ये ब्रेडबोर्ड पे ये पहला लाइन फर्स्ट लाइन से लेकर के लास्ट लाइन ये मेटल के एक्सट्रीम से शॉर्ट है, शॉर्ट है मीन्स एक ही टर्मिनल पे आ रहा है, और दूसरा उसके बगल में जो है वो लाइन भी एक अलग आइसोलेटेड लाइन है जो कि इंटरनली कनेक्ट है,
दैट मीन्स ये रेलवे की पटरी की तरह के दो अलग अलग आइसोलेटेड टर्मिनल्स हैं जिसको कि हमको यहाँ पे कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन के लिए यूज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मेंशन है रेड कलर से पॉजिटिव और ब्लू कलर से नेगेटिव। दैट मीन्स जो जो सर्किट का जो कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करने के लिए सर्किट का जो टर्मिनल मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ। सपोज अब अगर मैंने पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव दूसरे एंड पे कनेक्ट किया और लास्ट एंड से भी अगर मैं टर्मिनल चेक करूँगा तो यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल वही मिलेगा मेरे को सप्लाई। दैट मीन्स इसलिए मैंने बताया कि ये कनेक्शन है। वैसे ही ये जो सेंटर वाला लाइन है ये दो स्विच है एक वन एंड टू, ये दोनों आपस में आइसोलेटेड है, इंटरनली कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो ग्रूव्स बने हैं हर एक टर्मिनल का ये इंटरनली कनेक्टेड है। दैट मीन्स इंटरनल ये जो है ये वर्टिकली शॉर्टेड है और ये हॉरिजॉन्टली, क्लियर है। अब इसके सर्किट का कनेक्शन को करके टेस्ट करने के लिए अभी मैंने जो आप लोगों को बताया आईआर सेंसर, ये आईआर सेंसर कनेक्ट किया है। आईआर सेंसर के लिए देखो ये बैटरी का टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव जो रेड का कलर मेंशन हुआ है ये रेड कलर का वायर जो है पॉजिटिव है, ये 9 वोल्ट का बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, 9 वोल्ट का बैटरी रेड कलर के वायर से कनेक्टेड है। रेड कलर का वायर देखो जो ब्रेडबोर्ड का जो टर्मिनल पे आया है ये किसके आया है VCC पे, जो IR सेंसर का VCC पहला जो लाइन है वो VCC पे आया है। दूसरे अगर मैं कहूँ इस पर यहाँ पर ऑलरेडी नंबरिंग भी मैंशन है ABCD ऐसा वर्टिकली दिया हुआ है और हॉरिजेंटली 1 2 3 4 दिया हुआ है। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे को स्पेसिफिक पिन लोकेट करना है या कोई ग्रुप लोकेट करना है तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि जैसे 30 का E तो वो एक स्पेसिफाइड है ना मैट्रिक्स के फॉर्म में, आप उसको लोकेट कर सकते हो कौन सा टर्मिनल पे मेरे को कनेक्ट करना है। तो वैसे अगर मैं बोला कि सेकेंड का B तो पिन नंबर 2 आप हॉरिजेंटली लोकेट करके ग्रूव जो है बी पे जाओगे तो वो एक ही टर्मिनल मिलेगा। ये एक तरह का ब्रेडबोर्ड में ग्रूव्स को एड्रेसिंग करने का एक टेक्निक उसने बनाया है, इससे क्या होगा वन शॉट आप लोगों को डायरेक्ट आप लोग कंपोनेंट माउंट करने में आसान हो जाएगा। अब सेंटर वाला पिन जो है ये ग्राउंड है तो बैटरी का ग्राउंड जो है ये सीधे जाके ग्राउंड पे कनेक्ट हुआ है ना, ये एक टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ है, ये मिल रहा आप लोगों को मेंशन है। उसके बाद थर्ड वाला जो टर्मिनल है वो आउटपुट है, आउटपुट है मीन्स यहाँ से जो होगा आप जो LED पे अलग से जो एक्सटर्नल आउटपुट लेना चाह रहे हो वो मिलेगा जो ब्लैक कलर का वायर से कनेक्टेड है। ये ब्लैक कलर का वायर सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करने के लिए थोड़ा दूर ले जाके हमने कनेक्ट कर दिया है, और वायर जो ये एंड है यहाँ पे जो आउटपुट है आउटपुट में LED का पॉजिटिव आए, LED का पॉजिटिव आउटपुट पे आएगा और LED का नेगेटिव जो है रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुआ है। रेजिस्टेंस हमने 270 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस का दूसरा एंड जो है वो कहाँ जा रहा है, ग्राउंड हो रहा है, तभी सर्किट आपका कंप्लीट होगा, LED तभी ऑपरेट करेगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया, बस ये बैटरी का कनेक्शन मैंने पॉजिटिव मतलब अलग करके रखा हुआ था, अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस पर, तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ है और आउटपुट जो है बाय डिफॉल्ट हाई दे रहा है। दैट मीन्स मैंने जो बता रहा था उसका इन्वर्ट आउटपुट दे रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर डिटेक्ट नहीं करता है तो क्या हो रहा है आउटपुट हाई मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा तो लो मिलेगा। लो कैसे मिलेगा, देखो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ये मल्टीमीटर है इसको मैंने इसके सामने ऊपर फोकस किया तो ये ट्रांसमिट और रिसीवर एंड का जो LED है वो काम किया, रिसीवर जो LED है उसको सिग्नल मिला और वो सिग्नल आउटपुट करके जीरो कर दिया, आउटपुट जीरो मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये क्या मिलेगा, आउटपुट हाई मिलेगा। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है तो आउटपुट लो है, और डिटेक्ट नहीं मतलब नहीं मिल रहा है आउटपुट ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, आउटपुट आपका लो होगा।